लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए चरम पर प्रचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज हरियाणा का फतेहाबाद और कुरुक्षेत्र में रैलियां। दिल्ली के रामलीला मैदान में भी जनसभा को करेंगे संबोधित, हरियाणा दिल्ली की सभी सीटों पर 12 मई को मतदान। सभी दलों के दिग्गजों ने प्रचार में झोंकी ताकत, अमित शाह झारखंड और मध्य प्रदेश में करेंगे प्रचार, राजनाथ सिंह की हरियाणा में रैलियां, राहुल गांधी मध्य प्रदेश और प्रियंका गांधी दिल्ली में करेंगे प्रचार, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की रैली में शामिल होंगे चंद्रबाबू नायडू, एसपी बीएसपी आरएलडी की आजमगढ़ में साझा रैली आज। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और असम सरकार में मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के काफिले पर हमला, बीजेपी ने टीएमसी को ठहराया जिम्मेदार, पार्टी प्रदेश प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से आज करेगा मुलाकात, टीएमसी का आरोपों से इनकार, कहा घटना के पीछे हो सकते हैं सीपीएम संरक्षित असामाजिक तत्व। भीषण सूखे से जूझ रहे महाराष्ट्र में आचार संहिता से छूट के बाद राहत कार्यों में तेजी, केंद्र ने 2160 करोड़ रुपए की एक और किश्त की जारी, अब तक 4248 करोड़ रुपए से ज्यादा की केंद्रीय मदद, 151 तहसील सूखा पीड़ित घोषित, जलाशयों में बचा महज 19% पानी। दक्षिण अफ्रीका की संसद और प्रांतीय विधानसभाओं के लिए अब से 1.5 घंटे बाद शुरू होगा मतदान, 1994 में रंगभेद की समाप्ति के बाद छठी बार आम चुनाव के लिए डाले जाएंगे वोट, करीब 2 करोड़ 70 लाख मतदाता नई सरकार का करेंगे चुनाव।